विदिशा जिले में ग्राम गंगरवाड़ा में मेहंदीपुर बस्ती में रहने वाले सहरिया आदिवासी परिवारों की जमीनों पर वन विभाग द्वारा खड़ी फसल को रौंदने और वहां तार फेंसिंग करने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, पूर्व प्रदेश महामंत्री सुभाष बोहत सहित अन्य नेताओं ने सहरिया आदिवासियों की समस्या पर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि यहाँ 3 पीढ़ियों से सहरिया आदिवासी रह रहे हैं, उसके बाद भी उनकी जमीनों पर प्रशासन द्वारा इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात भी की और कलेक्टर ने भी संबंध में कार्यवाही को रोकते हुए पट्टे उपलब्ध कराए जाने की संबंध में अपनी राय रखी है। आज विदिशा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगरवाड़ा में सहरिया समाज की जमीन और मकानों पर बेदखल करने के लिए वन विभाग ने कल कार्रवाई की थी। उसको माननीय कलेक्टर साहब के ध्यान में लाने के लिए आज उनके साथ में हम लोग आए थे और एक कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है जिसमे कि इनकी जमीन, इनकी और मकान जो प्रधानमंत्री आवास के तहत बने हैं वो इनको स्थायी पट्टे दिए जाएं। अगर नहीं दिए जाएंगे तो वन विभाग के खिलाफ में 17 तारीख को हम आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे। हमारा 50 साल से जो पहाड़ी के पास में जमीन थी उस पे हम लोग करके खाते थे। अचानक ये कुछ लोग वहाँ पहुँचे प्लेट प्लाउ लेकर, वहाँ कोई भी नहीं था, उन्होंने वो पटा दिया नर्सरी के लिए। क्या पटा दिया? वो जगह जिसमें हम, हाँ, जिसमें हम करके खाते थे और खेती बाड़ी करते थे और ना कोई नोटिस कुछ नहीं था। जिन लोगों ने ये वन विभाग वाले हटा रहे हैं आप लोग? हाँ, हमारे लिए बोल रहे हैं यहाँ नर्सरी लगेगी। कितने परिवार हैं आप लोग? हमारा करीबन 40-50 परिवार है। हाँ।